इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक हैं ताज बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने गिरोह के साथ यह गोरख धंधा पिछले 5 सालों से चला रहे थे। गिरोह ने अभी तक 1000 से अधिक फर्जी मार्कशीट बना चुके गिरोह के BHMS, BAMS, बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, GNM, लैब टेक्नीशियन एवं 10वीं-12वीं की फर्जी मार्कशीट वे बनाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से उसके अन्य साथियों और फर्जी मार्कशीट किसको बनाकर दी उनके बारे में पूछताछ कर रही है। दरअसल इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम दिनेश, पिता सेवक राम तिरोले, उम्र 41 साल, निवासी 40, गणेश धाम कॉलोनी, खंडवा नाका और मनीष है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर पिछले 5 सालों से फर्जी मार्कशीट 8वीं, 10वीं, 12वीं, BAMS तथा अन्य प्रकार की जाली मार्कशीट तैयार कर लोगों से लाखों रुपए लेकर मार्कशीट देते थे। मुखबिर की सूचना पर DCP अभिषेक आनंद द्वारा एक टीम बनाई गई और मुखबिर की बताई जगह गणेश कॉलोनी खंडवा रोड पर आरोपी दिनेश तिरोले और मनीष के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। उसके घर से पुलिस ने लगभग 50 से 60 फर्जी मार्कशीट दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान व कई प्रांतों व यूनिवर्सिटी के नाम से फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटी के नाम से बनाई गई मार्कशीटें मिली, जिसे पुलिस ने जब्त किया। आरोपी ने सैकड़ों लोगों को 8वीं, 10वीं, 12वीं, BAMS तथा अन्य प्रकार की फर्जी मार्कशीटें बेची हैं और करोड़ों रुपए अवैध रूप से कमाए हैं। पूरे मामले में आरोपी के साथ और भी कई लोग जुड़े हैं। इस संबंध में आरोपी दिनेश और मनीष से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद इस पूरे मामले में कई और बड़े नाम आने की संभावना पुलिस द्वारा जताई जा रही है। देखिए, विजयनगर थाने पे एक अपने को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ जो है फर्जी जो है सर्टिफिकेट्स उसका बनाने का जो रैकेट है जो काम कर रहा है, काफ़ी दिनों से अपन इस गैंग के पीछे पड़े हुए थे। इसमें मुख्यतः अभी अपने 2 लोग हैं उनको अपने को जिनकी गिरफ्तारी हुई है। एक है दिनेश, पिता सेवक राम, ये इंदौर के रहने वाले हैं। दूसरा मनीष राठौड़, जो कि मुख्यतः जो उज्जैन के रहने वाले हैं, माकड़ौन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों का ये जो मुख्य, जिसमें जो इंदौर के निवासी हैं दिनेश, इनका ये काम था कि जो भी 8वीं, 10वीं, 12वीं, इसके अलावा BHMS, बी फार्मा, एम फार्मा, तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए लोग इनको अप्रोच करते थे। जो भी लोग इनको अप्रोच करते थे, ये इनके विभिन्न जगह पे कॉन्टैक्ट्स थे। उन कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से उन यूनिवर्सिटीज़ में ये संपर्क करते थे। कुछ जो है यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कुछ की जो है अभी भी क्रेडेंशियल जांच में है, तो वहाँ से ये लोग उन वहाँ के लोगों से बात करते थे और उसके बाद फिर ये मार्कशीट बनवाते थे। ये मार्कशीटें दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, कई प्रांतों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम से बनी हुई है। ये काफ़ी बड़ा गिरोह हो सकता है इसके पीछे काम कर रहा हो। इसमें पुलिस पूरी जो है अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में, इसमें FIR किया गया था विजयनगर थाने पर 420, 467, 468 और 471 के IPC के तहत। इसमें अभी 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बाकी पूरा प्रकरण जो अभी विवेचना में। सर, कितने रुपए में ये कितने रुपए में मार्कशीट बनाते थे और डिमांड आती थी वैसे मार्कशीट बनाते थे सर? जी हाँ, ये इनके जो मार्कशीट बनाने के अलग अलग रेट्स थे। 10वीं-12वीं के मार्कशीट 15-20 हज़ार के, इस तरह के जो है अनौपचारिक जो अभी इनके से पूछताछ हुई है जिसमें बताया उन्होंने, उसी तरह जो फार्मा के जो मार्कशीट्स हैं, ये लाखों रुपए लेकर के उन मार्कशीट्स को बनाया करते थे। तो अलग अलग डिग्री के अलग अलग ये इन्होंने रेट फिक्स कर रहे थे। शुरुआती पूछताछ में क्या बताया, कौन कौन से विद्यालय या महाविद्यालयों की मार्कशीट अभी तक इन लोगों ने जारी की? जैसा कि मैंने बताया कि एक भोपाल की यूनिवर्सिटी है जिसके माध्यम से ग्लोबल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसके नाम से पहला जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था पुलिस को, इसके बेसिस पे FIR हुआ है। वो हमने यूनिवर्सिटी से जानकारी प्राप्त कर ली, वो जवाब आ गया यूनिवर्सिटी से कि ये मार्कशीट उनके कॉलेज के द्वारा नहीं बनाया गया, तो जिसके बेसिस पे ये प्राथमिक की गई। इसके अलावा जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली के भी यूनिवर्सिटी हैं, बिहार, मध्य प्रदेश के भी, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, तो ये विभिन्न जगह के यूनिवर्सिटी है जहाँ के मार्कशीट उन्होंने बनाए। माना जाए कि डिस्टेंस लर्निंग कोर्स का जो है मिसयूज हुआ है, मतलब इस तरीके से लोग जो है
नहीं, डिस्टेंस लर्निंग जो हमारी सरकार की तरफ से एक जो जेन्युइन एफर्ट्स है लोगों को शिक्षा लोगों के घर घर पहुंचाने का, लेकिन ये लोग जो है जो जिन लोगों के सर्टिफिकेट्स बनवाते थे उनका कोई वो एग्ज़ाम नहीं देते थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, वो बैक डेट में जैसे आज 2023 में 2010 के सर्टिफिकेट्स 11 के सर्टिफिकेट्स वो बैक डेट में सर्टिफिकेट्स बनवाते थे, उसके अलावा वो नकली सील इनके यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये पूरा जो है एक मतलब कि ये अवैध कार्य है जो ये कर रहे थे। ऐसे कितने सर्टिफिकेट बनाए अभी तक इन्होंने? 500 से ऊपर के इस तरह के सर्टिफिकेट्स अभी तक बनाए हैं। पिछले 4 से 5 साल से ये काम कर रहे थे और सर्टिफिकेट्स की संख्या और भी बढ़ सकती है। इन लोगों के सर्टिफिकेट बने हैं वो विभिन्न विधाओं में काम कर रहे होंगे, अब ऐसी स्थिति में तो बड़ा ये पूरा मामला अभी पूरा विवेचना में रहेगा और इसमें अपन देखेंगे कि कितने लोग कहां कहां से सर्टिफिकेट प्राप्त किया और किन किन वो बेनिफिशियरी कौन है सर्टिफिकेट बनाने के, और ये यूनिवर्सिटीज में कौन लोग हैं जो कि इन जुड़े हुए थे, और ये यूनिवर्सिटी रियल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, या फिर ये पूरा फर्जीवाड़ा है, ये भी पूरी जांच होगी। तरीका क्या होता था सर, मतलब इस तरीके से जो है नौजवानों को फंस गए ये लोगों को? एक जो बंदा है अभी इंदौर में है, दूसरा जो बंदा मिला है हमको वो उज्जैन का है, तो इस तरह से अपना नेटवर्क फैला रहे थे। जैसे अगर दिल्ली के कॉन्टैक्ट्स हैं किसी से, उससे बात करते थे ये लोग और उससे बोलते थे कि जो किसी व्यक्ति ने अगर उनसे अप्रोच किया सर्टिफिकेट के लिए 12वीं की या फिर 10वीं की सर्टिफिकेट के लिए, तो अपने कॉन्टैक्ट दिल्ली में उनसे बात करते थे, वो पूरा सर्टिफिकेट्स क्रिएट करते थे। इवन फर्जी जो वेबसाइट्स है उन्होंने वेबसाइट्स पर वो सर्टिफिकेट को अपलोड भी कर रखा है, जिससे जो लोग हैं उनको लगे कि वो सर्टिफिकेट असली है। तो अपन उस वेबसाइट की भी जांच करेंगे, वो वेबसाइट सही में असली है कि वो वेबसाइट भी फर्जी है। कितना धोखाधड़ी कितने रुपए की निकल के आई है? अभी ये रुपये के हिसाब से ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। जैसे कि हमने बोला कि 500 से ऊपर सर्टिफिकेट्स अपने को अभी बताए हैं, पिछले 4 से 5 साल से ये काम कर रहे हैं, तो ये इसकी संख्या सर्टिफिकेट्स की बढ़ भी सकती है। अभी 2 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, इसमें पहला जो है इंदौर के रहने वाले हैं, दूसरे जो हैं वो उज्जैन के रहने वाले हैं। ये जो इंदौर वाले हैं ये पहले जो टीचिंग का काम करते थे, फिजिक्स के टीचर रह चुके हैं, जो कोचिंग चलाते थे, उसके बाद फिर इन्होंने अपना सेंटर पे वो सेंटर बनाना शुरू किया, सेंटर के बेसिस पे जो कि जहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को लेकर बोलते थे, और उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के नाम पर लेकर के ये अपने ये पूरी काम की है। अभी जैसे कि प्रथम सूचना मिल रही है कि वो जो सेंटर्स इन्होंने जो एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट्स में मेंशन किए हैं वो सेंटर्स भी शायद फर्जी हैं, तो ये पूरी जो अभी कार्रवाई है ये अभी विवेचना है।